हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कंचन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं मूढ़ी हम घर पर कैसे बना सकते हैं, और उसके साथ ही मैं एक रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो है लाई की। और जो हम मूढ़ी बनाएंगे उसी का हम फिर गुड़ का लाई भी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को हम देखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए दे दिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप तेल थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है एक कप चावल। ये प्लेन चावल है, सिंपल सा, जिससे हम भात बनाते हैं। तेल अपना ज़्यादा रखिएगा अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा मूढ़ी बनाना हो तो उस हिसाब से रख सकते हैं। और जो बर्तन हमें लेना है वो थोड़ा गहरा होना चाहिए, थोड़ा डीप बर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक छन्नी यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई के अंदर मैं छन्नी को रख दूँगी और इसी छन्नी में डालूँगी चावल को, जो हमारा प्लेन राइस चावल है। तो यहाँ पे देखिए, तेल मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया था, जिस वजह से एकदम हल्के जो है हल्के हल्के चावल फूल के आए हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैंने दोबारा डाला है चावल, आप देख सकते हैं कितना खिला खिला मार्केट जैसा मूढ़ी बनके हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह चावल डाल के हमें छन्नी को इस तरह हिलाना है तेल में डिप करते हुए, ताकि जो है चावल हमारा अच्छे से गर्म हो और अच्छा से फूल के निखर के आए। तो यहाँ देख सकते हैं एकदम मार्केट जैसा मूढ़ी हमारा लग रहा है, कितना बड़ा बड़ा फूल के आया है। मूढ़ी मेरा थोड़ा कम हो रहा था लाई बनाने के लिए, तो मैंने एक कप और चावल का मूढ़ी बना के रेडी किया है। तो फाइनली यहाँ पे सारे मूढ़ी हमारे बन गए हैं। तो मैंने ये इतना ही मूढ़ी बनाया था, और इस मूढ़ी का अब मैं बनाऊँगी लाई। तो पहले मूढ़ी को मैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े खिले खिले हमारे मूढ़ी बने हैं। और मूढ़ी को तलने टाइम तेल हमें एकदम हीट रखना है, एकदम हाई फ्लेम पे, ताकि फटाक से जो मूढ़ी है वो हमारा गर्म होके ऊपर हो जाए। और इस मूढ़ी में मैं ऐड करूँगी आधा कप ड्राई रोस्ट किया हुआ चूड़ा। तो यहाँ पे ड्राई रोस्ट किया हुआ मैंने चूड़ा ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं दो चम्मच लगभग आधा कटोरी में यहाँ पे सफ़ेद तिल ऐड करूँगी। तिल को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और एक चम्मच लगभग मैं यहाँ पे काली तिल यूज़ करूँगी, काली तिल को भी मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ ऐड किया है। और इन सब को हम मिला लेंगे। और उसके बाद हम फिर एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें डालेंगे हल्का सा पानी। यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई यूज़ की है। इसमें मैं डालूंगी गुड़। तो 200 मैंने यहाँ पे गुड़ ऐड किया है। गुड़ को मैंने अच्छे से कूट लिया है, और गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट करके पकाना है। तो इस तरह मिलाते मिलाते गुड़ को हम पका लेंगे। गुड़ में देख सकते हैं अभी फेन निकल रहा है। जब गुड़ पक जाएगा तो इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर गुड़ पकने लगा है, तो ये लगभग पक चुका है। हल्का सा सिर्फ इसे एक डेढ़ मिनट के लिए इसे और पकाना है। तो इस तरह गुड़ को हम मिलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे तो फिर लटक जाएगा नीचे से, और गुड़ हमारा ज़्यादा पक जाने पर भी हमारा जो लाई है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। ये गुड़ हमारा पक चुका है, इसको हम अब मूढ़ी में ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े बर्तन में। और इसको हम अच्छे से फटाफट जल्दी जल्दी मिला लेंगे, कि गुड़ को हमें ठंडा नहीं करना। ठंडा हो जाने के बाद फिर ये अच्छे से मिलेंगे नहीं, और फिर लाई हमारा बंधाएगा नहीं। तो हमें अच्छे से इसको मिला लेना है। तो गुड़ हमारा मिक्स हो चुका है मूढ़ी के साथ, जो भी थोड़े बहुत है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और फटाफट इसका हम लाई बनाएंगे, कि गुड़ अगर ठंडा हो गया तो फिर लाई हमारा अच्छा से बंधाएगा नहीं। तो यहाँ पे तो गुड़ मिक्स हो चुका है। अब हम थोड़ा सा एक कटोरी में पानी लेंगे, और पानी हम हाथ में इस तरह मिला लेंगे, और फिर हम अपना लड्डू बनाना रेडी करेंगे लाई का। तो साइज आप अपने अनुसार रख सकते हैं, और आप चाहें तो ज़्यादा मूढ़ी बनाकर या फिर ज़्यादा मूढ़ी का भी इस तरह लाई बना सकते हैं।
यहाँ पे मैं सारे लाई फटाफट में सारे लाई बना लेती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ ही आप बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे लाई बना के रेडी कर लिए हैं। तो इस तरह आप घर में मूढ़ी बना सकते हैं और फटाफट कैसे आप लाई इस तरह बना सकते हैं, या फिर मूढ़ी को आप जब भी खाना हो आप चावल से मूढ़ी बनाइए और चाय के साथ ले सकते हैं। चाय मिक्सर मिक्स करके बहुत पसंद आता है बहुत किसी को। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर रखिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी तिल संक्रांत, हैप्पी मकर संक्रांति।